नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल JCD क्लास में आपका स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 का कक्षा 11वीं का भौतिक विज्ञान का दोस्तों 100 पूर्णांक है, जो 2.5 घंटे का है। तो इस पेपर में दोस्तों प्रश्न क्रमांक 1 से लेके पूरा प्रश्न क्रमांक 23 तक बताने वाला हूँ। और आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन पेपर से आपके 90% क्वेश्चन फंसने वाले हैं, 90% क्वेश्चन यहीं से बन करके आएगा और इन्हीं क्वेश्चन के अंदर बन करके आएगा। जब आप पेपर में बैठेंगे तब आपको ध्यान में आएगा कि सर ने बताया था, यदि हम याद कर लेते तो आज ये पूरे क्वेश्चन बन जाते, है ना। तो ऐसा ना हो, सभी को आप अच्छे से तैयार कर लेना, इन क्वेश्चनों को तो बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक। ये आपके पेपर में बहुत महत्वपूर्ण पेपर है ना, बहुत ही बहुत, मतलब 100 में 100% क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक। तो सभी को तैयार कर लेना। और इतिहास का पहले ही वीडियो अपलोड हो चुका है, जो आपके सहपाठी इतिहास लिए हों उनको सेंड कर दीजिएगा, देख लीजिएगा डल गया है। और इसका मैं PDF भी अपलोड कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, उसमें मैं डाल दूंगा, तो वहां से डाउनलोड कर लेना। और बच्चों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लेना, क्योंकि मैं सभी सब्जेक्टों का मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट नहीं, वेरी वेरी मोस्ट, यानी जो फंसने वाला है वही क्वेश्चन मैं लेकर के आऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पास देखो बच्चों, यहाँ पास पहला क्या है, पहले प्रश्न क्रमांक में है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प में है पहला, जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम बदले जाते हैं। तो यह क्वेश्चन रहा, ये हमारे वो हैं ऑप्शन है, इसको देख लेना क्या होगा इसमें आंसर, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहाँ पास देख सकते हैं, निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। ऊर्जा का मात्रक क्या नहीं है इसको बताना है। अगला है, मैं क्वेश्चन क्वेश्चन बता रहा हूँ, निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा के युग्म के समान आयाम होते हैं। तो इसके भी आप आंसर देख लीजिएगा बच्चों। यहाँ पास मैं अगला क्वेश्चन, आप प्रत्यक्ष संगठन में संरक्षित रहता है, यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आएगा ही आएगा। अदिश राशि वह है जो, अदिश राशि वह है जो, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पास आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्रमांक 2 में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, इसमें सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छे से तैयार करना है, एक भी आपके नहीं छूटने चाहिए, नहीं एक भी छूट गया तो आप जिम्मेदार रहेंगे, हम नहीं, फिर आप बाद में मत कहिएगा। यहाँ पास देखिए, शून्य सदिश एक ऐसा सदिश है जिसका परिणाम खाली स्थान होता है, ठीक। तो किसका क्या होता है परिणाम, तो इसको देख लीजिएगा। दूसरा है, किसी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या व 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले सिलेंडर का पृष्ठ क्षेत्रफल खाली स्थान mm स्क्वायर बराबर होता है, क्या है, mm स्क्वायर बराबर होता है। फिर तीसरा क्या है, घर्षण द्वारा किया गया कार्य खाली स्थान होता है। तो इस वीडियो में हम अभी क्वेश्चन क्वेश्चन देख रहे हैं, अगले वीडियो में हम आंसर इसके प्रोवाइड कर देंगे, ठीक बच्चों। तो चैनल के साथ अपडेटेड रहिएगा, सभी वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ पाएगा तो आप चैनल को देखते रहिएगा, या टेलीग्राम ज्वाइन नहीं हुए टेलीग्राम में हो जाइए, जैसे ही मैं अपलोड करूंगा इनके आंसर तो वहां पास मैं सेंड कर दूंगा, तो आप सभी लोग के पास पहुंच जाएगा। नीचे लिंक दिया गया है बच्चों, यहां पास देख सकते हैं, शीशे का अपेक्षित घनत्व 11.3 है, इसका घनत्व खालिस्थान जी सेंटीमीटर माइनस क्यू, या खालिस्थान किलोग्राम मीटर क्यू है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस स्क्वायर बराबर खालिस्थान जी सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड माइनस स्क्वायर, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास देख सकते हैं, कार्य करने की दर को खालिस्थान कहते हैं। फिर इसके बाद अगला है, कोई गाड़ी 18 किलोमीटर प्रति आवर से चल रही है तो वह 1 सेकंड में खालिस्थान मीटर चलती है, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए बच्चों, एक चीज़ और बता दें कि क्वेश्चन क्रमांक सही जोड़ी जो है, सही जोड़ी मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक, तो वहाँ से आप देख सकेंगे सही जोड़ी। तो सही जोड़ी के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे लिंक दिया गया, मैं PDF भी वहाँ अपलोड कर दूंगा, ठीक। फिर यहाँ देखिए,
एक वाक्य में उत्तर दीजिए, क्या है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो आप यहाँ पास देख सकते हैं पूरे क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करना, इनके आंसर भी मैं प्रोवाइड करूँगा अगले वीडियो में। प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग व त्वरण की दिशा के बीच कितना कोण होता है। फिर इसके बाद अगला है कार्य का विमीय सूत्र लिखिए। फिर इसके बाद अगला है व्युत्पन्न मात्रा किसे कहते हैं। ठीक, इन सभी के क्वेश्चन आंसर आप लिख लीजिएगा और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद है शक्ति की परिभाषा लिखिए। फिर यम के एस प्रणाली के मूल सूत्रों के नाम लिखिए। फिर एस एल प्रणाली क्या है, एकांक सदिश किसे कहते हैं, एक खिलाड़ी गेंद को क्षैतिज से किस झुकाव पर फेंके कि गेंद अधिकतम दूरी तक जाएगा। ठीक, ये सभी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन क्रमांक 5वां, बिल गति नियम से क्या तात्पर्य है। विलगित नियम से क्या तात्पर्य है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। 6वां क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत उदाहरण सहित लिखिए। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना बच्चों, सभी को याद कर लेना, मेरा कहना मानना, सभी को याद कर लेना, नहीं फिर बाद में मत कहना कि सर आपने बताया नहीं था। एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटना चाहिए। इसी के अंतर्गत यदि आप अच्छे से क्वेश्चन पेपर लिख करके आते हैं तो 80 से 90 नंबर बड़े आराम से मिल जाएगा आपको। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पास देख सकते हैं रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। क्या है, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए और एक पार्श्विक दूरी को परिभाषित कीजिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, सिद्ध कीजिए कि मुक्त रूप से गिरती किसी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा अचर रहती है। इसके बाद है बल युग्म से क्या तात्पर्य है, बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र लिखिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके आंसर मैं अगले वीडियो पर प्रोवाइड करूंगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सदिश के योग संबंधी सहचर नियम को स्पष्ट कीजिए। योग संबंधी हो गया, घटाना संबंधित, गुणा है, भाग है, तो इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, 100 में 100% आता है, तो इस बार आएगा योग का संबंधी सहचर नियम। ठीक ना, सदिशों के योग संबंधी सहचर नियम ये पक्का आएगा। यहाँ पास अब देखिए अगला, एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्री त्वरण का व्यंजक लिखिए। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप अच्छे से तैयार कर लेना, एक भी नहीं छूटनी चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है ऊर्जा संरक्षण के नियम और विस्थापन और दूरी में अंतर, तो विस्थापन और दूरी में पक्का आएगा, ऊर्जा संरक्षण का भी पक्का आएगा, 100 में 100, आप पेपर देख लीजिएगा जब मिलेगा आपको तो। ठीक, यहाँ पास देख सकते हैं अगला, न्यूटन बल की परिभाषा दीजिए। क्या है, न्यूटन बल की परिभाषा दीजिए और इसके बाद है एक समान वृत्तीय गति के लिए अवकेंद्री त्वरण का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अच्छे से तैयार कर लेना। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पास देख सकते हैं, पृथ्वी सतह से क्षैतिज से किसी कोण को 0 डिग्री पर फेंका जाए तो प्रक्षेपण के लिए उड़यन काल का प्राप्त अधिकतम ऊंचाई एवं क्षैतिज परास के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। फिर इसके बाद है आवेश संरक्षण का नियम लिखिए उदाहरण सहित। तो यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है ना, जितने भी हमने क्वेश्चन बताए हैं ये सभी आपको तैयार करना है। 18 क्वेश्चन इस वीडियो में बताए हैं तो 18 के 18 याद करना है, इसमें से एक भी क्वेश्चन यदि छूट गया तो आप जानिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और यही क्वेश्चन आपके त्रैमासिक पेपर में आएगा, यहीं से आएगा बच्चों, आपके 80 नंबर कहीं नहीं गए हैं यदि आप अच्छे से पेपर लिख करके आते हैं, वो अच्छे से याद करके जाते हैं, ये मेरा बात याद रखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, बहुत जल्द न्यू पेपर का मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। ठीक बच्चों।